उसकी इबादत और आमाल का जिक्र कर रहे हैं सात दिन के आमाल में चार रकत नमाज मरविया रसोल्सम से ये चार रकत नमाज कैसे पढ़नी है दो दो रकत के अंजाम देनी है सराह फातह के बाद तेरह मरतबा पहली रकत में भी सरा कदर की तलावत करनी है इसी तरह दूसरी रकत में भी तेरह मरतबा सराः क़दर की तलावत कर दो रकत तो शहद और तस्लीम के साथ मुकम्मल करनी है इसी तरह बाकी दो रकत भी पहली तरह पढ़नी है सुरह फातह के बाद तेरा मरतबा सुरह कदर की तलावत करनी है बहुत ज़्यादा सबाब मरवी है इस इबादत का और वक्त मगर बैन के बाद से आप तलवे शहर तक इंजाम दे सकते हैं जब भी आपको फुर्सत मिले और ये भी आप कर सकते हैं कि दो रकत नवाज़ आपने इंजाम दी और फिर आप कुछ काम काज में लागे और फिर जो टाइम मिला उसमें दो रखत बाकी जो हैं वो भी कंप्लीट करके इस शब के अमाल जो जिक्र हुए हैं वो तमाम कर लिए मुसलसल और पे दर पे भी ज़रूरी नहीं है कि दो रखत अंजाम दी और इसके फौरन बाद दूसरी दो रखत जो है वो पढ़ें तो तब इंजाम पाएगी फासला आप कर सकते हैं फरमाया मन हज़रा बन अल्लाह लहु कसरा फिर जन्नत बेज़ाह जो बंदा भी ये नमाज़ अंजाम देता है ये इबादत जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाता है अल्लाह की ज़ात उसके लिए जन्नत में दो गार सोने के बनाएगी जन्ती सोने के दो गार जन्नत में तामीर करेगी और इस शख्स के नाम आमाल में चालीस हज़ार शहीद और चालीस हज़ार सद्दीक़ का स्वाब लिखा जाएगा जितना चालीस हज़ार बंदे राय खुदा में शहीद हो जाएं, तो उनको स्वाब मिलता है इतना इस इबादत गुजार को ये नमाज़ पढ़ने पर स्वाब मिलेगा आखिर में मोमिन सैरतम से, से अदवाओं में याद रखा करें करेंसल वरहल